और जो उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास है वो आपके निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होता है, तो तीन चार जगह नहीं मैं बैठते, क्या क्या खास बातें रहीं इलाहाबाद में जो विधायी को? सबसे पहले तो इलाहाबाद का ही अपना प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से ये तीर्थराज रहा, प्रयाग रहा है, ऐतिहासिक में राजपुताना काल से लेकर मुगल काल और अंग्रेज़ों तक और वर्तमान इतिहास में इसका विशेष स्थान रहा है। साहित्यिक दृष्टि में यहाँ पर जितने भी महान साहित्यकार हुए सब यहीं के रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि विधायी काल में भी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से ही शुरुआत हुई है। अगर मुगल काल में ये राजधानी रही है तो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने भी इसको अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर जब पहला भारत का महासंग्राम 1857 में हुआ तो इलाहाबाद का उसमें विशेष योगदान रहा, ये अंग्रेज़ों से लगभग 7 दिन मुक्त रही और मौलाना लियाकत अली साहब ने यहाँ पर खुशरूबाग से यहाँ पर शासन चलाया, और 1857 की गदर का जो महासंग्राम हुआ उसने अंग्रेज़ों के आँख कान खोल दिए और उनको लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर राज नहीं किया सकता, इसलिए 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने ये निर्णय लिया कि अब हम भारतवर्ष में जनप्रतिनिधित्व भी लाएं, राज्यों को उनको अधिकार दें, म्यूनिसपैलिटीज़ बनाएं, जिससे कि वहाँ पर हम शासन कर सकें। और इस जो 1784 पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन दोनों काम कर रहे थे यहाँ पर, उसको दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके इन लोगों ने ये किया कि भारत पे यहाँ गए हम एक संप्रभु रूप में इसको इस पर सत्ता संभालें, और 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने इलाहाबाद में इस बात की घोषणा की कि अब जो है जो ब्रिटिश क्राउन पूरे भारतवर्ष में राज्यों को वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के वहाँ उनको अधिकार देगा, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और बंगाल मद्रास में तो बाद में हो गया, लेकिन चूंकि उस समय ये उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध का क्षेत्र था इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर लगी, लेकिन 8 जनवरी 1887 यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, और उसमें 9 सदस्य जिसमें 5 अंग्रेज और 4 भारतीयों को रखा गया, इसमें सर सैयद अहमद साहब थे, पंडित अयोध्या नाथ जी थे, राजा विजय प्रताप नारायण सिंह थे, राजा राम, इसी तरह 5 लोग यहाँ से 4 लोग थे। और पहली बैठक 8 जनवरी 1857 को यहीं के बगल में अल्फ्रेड पार्क है, और उस समय अल्फ्रेड लॉयल साहब जो है गवर्नर थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता की और मीटिंग हुई। वहीं से उत्तर प्रदेश में पहली विधायी कार्य की शुरुआत हुई, और जो विधानसभा में नियम प्रक्रिया होती है किस तरह संचालन होगा उस पर विचार विमर्श किया गया, साथ में किस तरह भाषा में समरूपता होगी एक्ट के बनाने में उस पर भी विचार किया गया, और फिर 1920 तक ये इलाहाबाद में ही रहा है, और इसकी बैठकियाँ अलग अलग तो लखनऊ नैनीताल भी होती रही हैं, लेकिन इलाहाबाद ही केंद्र रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े मेवाल यहाँ पर भी बैठक होती थी, न्यू सेंट्रल कॉलेज वहाँ भी बैठकें होती थी, गवर्नर जनरल साहब का बंगला वहाँ भी बैठकें होती थी, और लगभग 38 महत्वपूर्ण बिल इसमें यहाँ पर पास किए गए, 4 बजट भी पास किए गए। महत्वपूर्ण बिल में जो आज भी रेवेन्यू के संबंध में, एक्साइज के संबंध में, पुलिस के संबंध में, म्यूनसिपैलिटीज़ को अधिकार देने के, वाटर वर्क के बनाने के संबंध में, इस तरह के तमाम कानून यहाँ पर बनाए गए, और वो इसमें से लैंड रेवेन्यू बिल आज भी जो है यहाँ पर लागू है, सभी बिल जो हैं जो उसमें बनाए गए ले दे के संशोधन करके यहाँ पर आज भी लागू हैं। ये हम लोगों का, इलाहाबाद के लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लॉर्ड बटलर आए और 1913-14 में वो लखनऊ में जब बैठक करने गए तो वो वहीं पर रह गए, वहाँ के जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उसमें उतने रम बस गए कि वो फिर इलाहाबाद तक नहीं आए, और अंत में 1920 में यहाँ पर उसको उन्होंने स्थापित किया। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और असेंबली और विधान परिषदें बनाई गई तो चूंकि वो वहीं रह रहे थे इसलिए वहीं पर बन गए, और आज जो है सारा काम विधानसभा हो या विधान परिषद लखनऊ से काम कर रही है। लेकिन ये देखिए तो यहाँ अभी सब जितने भी प्रमुख कार्यालय हैं मुख्यालय वो यही हैं, क्या आपको लगता है कि जो कार्यालय और ये सब कुछ महत्व रखता है क्या?
हाँ, एक तरह से कहा जाए कि एक समय तो यहाँ पे था कि जब हम आज़ाद हुए और संविधान सभा में भी जब उत्तर प्रदेश से 55 लोग जो है चयन किए गए और संविधान सभा में रहे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, कमलापति त्रिपाठी जी थे और इस तरह तमाम लोग जो 55 महत्वपूर्ण यहीं सब डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, वो सब यहीं चुन के गए। और हम लोगों को इस बात का भी गर्व है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री इसी इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए। इस काउंसिल में भी काफ़ी लोग इलाहाबाद से ही अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे पत्रकार, साहित्यकार लोग यहाँ से हुए और उन्होंने विधायी कार्य में एक अपना विशेष योगदान दिया। लेकिन अब धीमे धीमे हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि इंदिरा जी के न रहने के बाद यहाँ पर अब इलाहाबाद में जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थीं या इसका जो एक महत्वपूर्ण स्थान था, अब वो धीमे धीमे कम हो रहा है, वो ज़्यादातर लखनऊ की ओर भाग रहा है। आज भी सारे, चाहे एक्साइज हो, पुलिस हो, एजुकेशन है, ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, हाई कोर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब यहीं पर हैं, सारे मुख्यालय यहीं पर हैं कि लखनऊ में केवल कैंप ऑफिस के रूप में भी काम कराया जा रहा है। कई बार कोशिश हुई, हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी अभी पुलिस मुख्यालय जो यहाँ पर उसको ले जाने के लोगों ने कोशिश की तो उसका भी हमने विधानसभा में हम लोगों ने विरोध किया और अंत में उनको मानना पड़ा कि हाँ, ये मुख्यालय यही रहेगा। इसी तरह एजुकेशन के भी, हाई एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, इसके जितने भी सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट हैं यहीं पर हैं। लेकिन सारे काम धीमे धीमे जो यहाँ पर अधिकारी आते हैं वो अपनी सहूलियत के लिए और लखनऊ को एक ऐशगाह के रूप में प्रयोग करते हैं, वो यहाँ न बैठ के लखनऊ में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए अधिकारियों के द्वारा इसको धीमे धीमे किया जा रहा है। हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक जो हस्तक्षेप होना चाहिए, हम लोग उसको निश्चित प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लोग, ये कर्मचारियों का शहर है, बुद्धिजीवियों का शहर है, टीचरों का शहर है, एडवोकेट्स शहर है, ये कभी भी पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का शहर नहीं रहा। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें सफल हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जब विधानमंडल की जो बैठकें हैं शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब लगातार घटती चली जा रही है, क्या इसकी, इसका क्या कारण है? क्या क्या विपक्ष ही है मुख्य जिम्मेदार जो सदन में चलने दे रहा है या और? नहीं, इसमें सभी जिम्मेदार होते हैं। और जब शुरू में एक उत्साह रहा जब देश की आज़ादी मिली थी और उत्तर प्रदेश में तो 90 दिन भी बैठक चली, फिर उसके बाद आम तौर पे 70 दिन, 72 दिन, 60 दिन तो चलती ही चलती थी। जब मैं पहली बार 85 विधायक हुआ तो उस समय 39 दिन यहाँ की विधानसभा की बजट सेशन चलता था और 3 सेशन होता था। धीमे धीमे घट रहा है और जब से यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज का दौर चला है जिसमें जात विशेष के आधार पे पार्टी और सत्ता प्राप्त हो रही है, ऐसे लोग जनता की जो समस्याएं हैं उसको विधानसभा में उसका सामना नहीं कर पाते। तो इसमें दोनों की तरह से, एक तरह से कहीं अगर मिली भगत कहा जाए, विपक्ष की तो अपनी भूमिका है, विपक्ष तो अपनी बातें कहेगा ही, लेकिन शासन को नहीं लगता है कि ये बातें, चूँकि मीडिया भी तेज हो गया है, अब विधानसभा में उठी हुई कोई बात तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबारों से तुरंत फैल चला जाता है। तो हमको लगता है कि विशेष कारण ये भी है कि अब जो भी शासन आ रहा है वो इसमें चलाने में रुचि नहीं रखता कि उसके जो कमियां हैं, उसके जो खराब चीज़ें हैं बाहर जाएं और लोग जाने, और यही कारण है कि वो कभी कभी तो मैनेज भी हो जाता है। अभी जैसे हमारा एक सवाल था कि 1 करोड़ से बिजली के कितने ज़्यादा बकायेदार उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें 121 लोगों में 1,047 करोड़ रुपये बकाया है। अभी ट्रस्ट को तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो कौन कौन लोग हमने जब पूछा तो उसको सूची जो है नहीं रख रहे थे पटल पे। उसको हमको दूसरे नियमों में भी प्रयास करना पड़ा, केवल इसलिए कि उसमें तमाम ही राजनीतिक लोग थे और बड़े घरानों के लोग थे जिनका नाम सूची में नहीं आना चाहिए। और पहले एक समय था कि विधानसभा में अगर कोई सवाल उठता था तो लगता था कि जैसे कोई न्याय की देवी के सामने सवाल उठा है, और अधिकारी भी और मन जो हमारे विधायिका भी है उसके अंदर हड़कंप होता है कि प्रश्न उठा है, इसको ठीक करना है। आज उसको लगता है कि उसको ठीक नहीं करना है, इसको किस तरह दबा देना है, और इसी कारण ये बवाल होता है और ये तमाम चीज़ें। बहुत महत्वपूर्ण ये विधानसभा की समितियाँ हैं और उसमें विशेषाधिकार समिति है,
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की समिति है, आश्वासन समिति है, तो कुछ समितियां तो अपना काम करती हैं लेकिन बाकी समितियों की बैठकें नहीं होती। और उसके भी कई कारण हैं, जैसे कि कई समितियों की बैठक में डिप्टी स्पीकर चेयरमैन होते हैं, और हमको लगता है कि 1992 के बाद यहाँ पर कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं बनाते, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, और जब डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो वो कमेटियाँ अपने आप जो है एक तरह से कहीं क्रियाशील नहीं रह जाती। लेकिन पीएससी है, आश्वासन समिति है और विशेषाधिकार समिति है, ये समितियाँ जो है चलती हैं और इस पर अभी भी काम हो रहा है। ठीक है मैडम, बस हो गई बात करते हुए थोड़ा। चलिए हमारे नहीं, अरे कोई बना नहीं, अरे वो